गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल और ए होलो स्फीयर। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव ए बॉडी विच इज ऑफ शेप होलोस्फीयर। होलोस्फीयर इज लाइक ए फुटबॉल, ए बैलून। एंड डियर स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। एंड वी हैव थ्री ऑप्शंस हियर। द पॉइंट विच वी आर कंसिडरिंग वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बी आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी, होलो स्फेरिकल बॉडी, और इट मे बी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल सेल और इट मे बी इन साइड द स्फेरिकल सेल। इन ऑल द थ्री केसेज वी विल फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड डियर स्टूडेंट, देर आर टू वेज टू फाइंड आउट दिस। मैं जो आपका एक दूसरा तरीका है, बहुत छोटा सा तरीका है, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से कुछ पहले लेक्चर में आपने देखा होगा, हम वहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बहुत सिंपल सा है। आई इजल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशनशिप दोनों में होता है, फील्ड इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में। तो आपकी मर्जी है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। वो एक ही स्टेप का है कि अगर आपने फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली तो आप उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। बट मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये सिलेबस में दिया है तो एक्चुअल में जो तरीका हम इसमें करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे, उसके लिए वो दिया है टॉपिक, ना कि उस शॉर्टकट के लिए। क्योंकि हमने इस तरीके से एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिक आइडिया दैट हाउ टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी। पॉइंट पार्टिकल के लिए हमने इससे पहले किया था, अब बॉडी के लिए हम कैलकुलस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं। स्फेरिकल सेल कह सकते हैं, होलोस्फीयर कह सकते हैं, एंड इट्स रेडियस से एम आर, कैपिटल आर इज इट्स रेडियस एंड कैपिटल एम इज इट्स मास, एंड ऑल्सो वन इज वन ऑफ द पैरामीटर इज रो। रो इज मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस मटेरियल। एंड देर इज ऑल्सो वन अजम्पशन इज देयर, इट्स मास डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। सो दिस स्फेरिकल सेल हैज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, दिस अजम्पशन। दिस इट्स सेंटर इज ओ। एंड यस स्टूडेंट, वी हैव टेकन ये पॉइंट, पहला केस हम करेंगे जिसमें पॉइंट को हम बाहर लेंगे। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास तीन केसेज हैं। तो पहला केस है हमारा व्हेन द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी। यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं P. और OP, ये जो डिस्टेंस है OP, सेट इज R, जो हम लेते आए हैं अभी तक। जो बेसिक जो इसमें अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, हम एक इसमें एलिमेंट्री रिंग मानेंगे, उसके कारण हम पता करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इस सारी बॉडी के कारण पता करने के लिए हम उसका करेंगे इंटीग्रेशन, या वी विल यूज इंटीग्रल कैलकुलस। क्योंकि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दिस होल सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल थिन रिंग्स। तो ऐसी एक रिंग हम यहाँ पे बच्चों कंसिडर करते हैं। रिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये, मैं देखिए थोड़ा ठीक से समझ में आए उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेता हूँ। वैसे ही इसे थिन हमने इसको लेना चाहिए, आप ये मान लीजिए थिन है, थोड़ा समझिएगा कि क्या है। मान लो हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है जो अंदर से खाली है, होलो है। उस प्लास्टिक की बॉल को आप ऊपर चाकू से काट दीजिए,
काट देंगे, एक कटोरी से छोटी सी आपके पास आएगी, उसको फिर काटिए तो आपके पास एक छल्ला सा आपको मिलेगा, रिंग मिलेगी। जैसे प्याज होती है ना, प्याज को हमने काट दिया, फिर प्याज के बहुत सारे वो गोल गोल होते हैं, उसमें से सबसे बाहर वाला जो गोल गोल है रिंग शेप का वो निकाल लीजिए, ये वैसी शेप है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट, और ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट पी की, ये मैं इसके बीच से ले रहा हूँ, जो हमारा रिंग है ना, इसके बीच से मैंने इस डिस्टेंस को लिया, एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। ये बच्चों हो गया हमारा रेडियस आर। सॉरी बच्चों, दिस एंगल इज थीटा। अब ये थीटा भी क्या है, ये थीटा भी बीच से है। बीच का मतलब क्या, देखो ये मैंने इस सेंटर को मिलाया रिंग के दूसरे स्ट्रिप से, देखिए ये जो किनारा है रिंग का, ये दूसरा किनारा है, ये जो ये डिस्टेंस इट्स वेरी वेरी स्मॉल, एंड दिस एंगल, दिस स्मॉल एंगल इज डी थीटा, एंड दिस थीटा इज, चाहे आप यहां से ले लो, चाहे आप यहां से ले लो, चाहे बीच से ले लो, वो एक ही बात है, क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल बच्चों, बहुत छोटा ही है। दिस डी थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर ये लार्ज हो गया तो फिर इंटीग्रल कैलकुलस जो है हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हमें काफ़ी छोटा लेना पड़ता है, नेग्लिजिबल स्मॉल। दिस डिस्टेंस इज एक्स। ये जो एंड है दिस इज ए, रिंग का जो सेकेंड एंड है दैट इज बी, और बीच का जो एंड इसको ई कह सकते हो, या मैं ई बी ही ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने इसको बी से ही कंसिडर कर लिया है। दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। नाउ अब हमें जो रिंग है, इस रिंग के कारण यहां पी के ऊपर पोटेंशियल मालूम करना है, और फिर इस पूरे बॉडी को के ये मान लेंगे हम, ये बहुत सारी रिंग से बना है, तो जितने भी रिंग हैं उन सबके पोटेंशियल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास इस पूरी बॉडी का पोटेंशियल आ जाएगा। यानी इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड करने का मतलब क्या है, वी हैव टू यूज कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस मेथड। चलिए सो प्यारे बच्चों, मुझे इस रिंग के कारण यहां पर पोटेंशियल मालूम करना है, वो कैसे होगा। सबसे पहले मुझे इस रिंग का मास मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता जी एम बाई आर स्क्वेयर माइनस जी एम बाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था इससे पहले लेक्चर में। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या एम, क्योंकि जो आर है आप अगर ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट पी है इस रिंग के हर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है। जैसे मान लो आपके पास रिंग का मतलब जो आप हाथ में पहनते हैं कड़ा, मेरे पास कोई अभी है नहीं, अदरवाइज मैं आपको, सपोज दिस इज रिंग एंड दिस पॉइंट इज पी, सो फ्रॉम एवरी पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स। तो ये तो एक्स हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात है एम की, इसका एम निकालना पड़ेगा इस रिंग का। तो इसका एम कैसे निकलेगा वो देखिए, हम सारा का सारा जो शुरू में काम करेंगे वो एम निकालने के लिए ही करेंगे, वो कैसे देखो। डियर स्टूडेंट, ये जो रिंग है ये इस रिंग की रेडियस है, ये वाली यहां से लेके यहां तक, और ये है हमारा आर। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका रेडियस, दैट विल बी आर साइन थीटा। सो डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द रिंग इज आर साइन थीटा, ये इस रिंग का रेडियस हो गया। तो इस रिंग का जो सरकमफेरेंस होगा
सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग इज 2πr sin थीटा, इसका सर्कमफ्रेंस हो गया प्यारे बच्चों। सर्कमफ्रेंस क्यों निकाल, एक्चुअली में हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं रिंग का, और एरिया कब आएगा जब हमारे पास इसकी एक तो लेंथ होगी रिंग की, तो रिंग की टोटल लेंथ हमारे पास 2πr sin थीटा हो गया, एक इसकी विड्थ, तो विड्थ इसकी ये है ए बी, और ए बी किसके बराबर है तो हमने पहले एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है डी थीटा, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, ये आर्क है, ये आर्क है। तो जो ए बी है हमारा दैट विल बी आर्क एंड रेडियस फॉर दिस ओनली दिस पर्पज, ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा ओ ए बी, इन दिस ट्राइंगल ओ ए बी आर्क इज ए बी, रेडियस इज आर एंड एंगल इज डी थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क इज ए बी अपॉन रेडियस इज आर, सो दिस इज आर डी थीटा इज ए बी विच इज द विड्थ ऑफ आवर रिंग, सो वी कैन से विड्थ ऑफ द रिंग इज आर डी थीटा। अब देखिए बच्चों, ये जो रिंग है हमारी, जैसे मैंने वो प्याज का आपको एग्जांपल दिया, आप उसके सलाद काटते हैं तो जो सबसे बाहर का जो रिंग है आप सिर्फ उसको ले लीजिए, अगर मैं कहूँ कि उस मटेरियल का कितना एरिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस जो आउटर रिंग है उसने कितना एरिया कवर किया है, उसकी बात नहीं करें, हम बात करें उस मटेरियल की जिसमें मास है उसका, क्योंकि हमें मास चाहिए, तो आप उसको क्या करिए, आप जो रिंग है उसको काट लीजिए, आप उस रिंग को काट लेंगे जो प्याज से बना है उसको सीधा करिए, सीधा करेंगे तो दैट विल बी रेक्टेंगल, जिसका लेंथ क्या होगा जो उसका सर्कमफ्रेंस था, और उसका ब्रेथ क्या होगा जो ये हमारा ए बी था, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो होगा इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, सो एरिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा हमारे पास 2πr² sin θ d θ, ये एरिया आ गया। एरिया क्यों निकाला, क्योंकि हम इसका मास चाहिए और हमें मालूम है कि यूनिट एरिया का जो मास है दैट इज रो, तो इस एरिया का मास कितना होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद रो, सो डियर स्टूडेंट मास ऑफ द रिंग विल बी 2πr² sin θ d θ, मास आ गया, हमें यही चाहिए था। अब हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, क्योंकि पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ दिस रिंग, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग इज dv, स्मॉल पोटेंशियल, क्योंकि टोटल पोटेंशियल तो v होगा इसके कारण, तो dv इज इक्वल टू माइनस g, मास का वैल्यू 2πr² sin θ d θ बाय डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज x². अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, एक तो तरीका ये इसको यहीं इंटीग्रेट कर दे, दूसरा इसको थोड़ा आसान कर ले। आसान का मतलब क्या है, देखो g 2πr² ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइन थीटा डी थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव होगा, लेकिन यहाँ एक्स भी वेरिएबल है, तो एक्चुअल में यहाँ दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, तो dx भी कहीं होना चाहिए। बट एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि थीटा और एक्स है ना, ये इंटर रिलेटेड है। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस थीटा को बदलता हूँ, यानी अगर मैं रिंग मैं यहाँ ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इस रिंग को यहाँ ले लेता हूँ तो थीटा कौन सा होता, फिर आपको थीटा ये लेना पड़ता, ये वाला, और फिर एक्स आपका अलग होता। सो एक्स और थीटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक्स और थीटा को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी या तो हम थीटा से यहाँ छुटकारा पा लेते हैं या हम एक्स से छुटकारा पा लेते हैं, तो
आसान क्या रहेगा, आसान है कि हम थीटा से छुटकारा पा लेते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स को हम कोशिश करते हैं राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ थीटा। उसके लिए एक आप फिर यहाँ पे हमें एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा 11th क्लास का, और वो क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल ओबीपी, थोड़ा सा समझिएगा, इन ट्रायंगल ओबीपी हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, बी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर माइनस टू ओ ई डॉट ओ पी ओ बी डॉट ओ पी कोस थीटा। अब ये कहाँ से आ गया, देखो बच्चों ये कहाँ से आ गया, ध्यान से देखना, आप इस ट्रायंगल को ना, ये वाली जो ट्रायंगल है ओ बी पी ये वाली, ठीक है, इसको मैं वहाँ बनाता हूँ, इसका छोटा रूप बनाता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि ये किस प्रकार से है। इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, ये ओ है, ये बी है और ये बी है, ये मेरा एक वेक्टर है ओ बी, ये मेरा वेक्टर है ओ पी, थोड़ा इधर बनानी थी वैसे मेरे को, चलो कोई नहीं आप समझ जाएंगे। पर बच्चों एक कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले बच्चों अगर मैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, आप एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाएंगे, और ये जो डायगनल में, ये जो डॉटेड डायगनल है, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा इस और इस वेक्टर का सम, ठीक है, ये हमने पढ़ा है बेसिक क्लासेस में। कभी हमने ये सोचा नहीं कि ये जो दूसरा डायगनल है ये हमें क्या देता है, ये डायगनल बी पी हमें क्या देगा। तो पहले बच्चों आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो पैरेललोग्राम लॉ में जो दूसरा डायगनल होता है वो हमें देता है इनका डिफरेंस, ठीक है। अगर ये डॉटेड पैरेललोग्राम, डॉटेड डायगनल की बात करें तो ये हमें देगा इन दोनों का सम, और सम का फॉर्मूला आपको मालूम है वैक्टर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। इन ए सेम वे अगर हम इस माइनस वाले डायगनल की, इस दूसरे वाले डायगनल की बात करें जो इन दोनों का डिफरेंस देगा, इस डिफरेंस का, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो मेरे पास दो वेक्टर आ गए हैं सपोज ओपी और ओबी, अगर मैं इनके डिफरेंस के फॉर्मूले की बात करूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो वो होगा स्क्वेयर फर्स्ट वेक्टर स्क्वेयर ऑफ सेकंड वेक्टर माइनस टू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। ये वहां से आया है, इट इज द फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर। सो बी पी, दिस इज बी पी, बी पी इज द डिफरेंस ऑफ ओ पी एंड ओ बी। सो बी पी स्क्वेयर विच इज द डायगनल, दिस बी पी इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड हम यहां पर ले रहे हैं, हम इसको मैग्नीट्यूड लगा देंगे क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन से हमने मतलब नहीं लिया है। अगर हम इसकी डायरेक्शन ऐसे कर लेंगे, एक में आ जाएगा ओ पी माइनस ओ बी, दूसरा कर लेंगे तो ओ बी माइनस ओ पी आ जाएगा, ठीक है। बट अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो डायरेक्शन से मतलब है नहीं क्योंकि यहाँ पे स्केयर है। सो बी पी स्केयर इज, प्यारे बच्चों, एक्स स्केयर, इस बी पी स्केयर इज एक्स स्केयर इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज द रेडियस विच इज आर स्केयर प्लस ओ पी इज दिस डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वेयर माइनस टू ओ बी इज आर, ओ पी इज आर एंड कोस ऑफ थीटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो लेफ्ट हैंड साइड टू एक्स डी एक्स, हाँ इट्स टू एक्स डी एक्स, एंड राइट हैंड साइड इट्स जीरो बिकॉज आर इज कॉन्स्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ आर इज जीरो प्लस जीरो, आर आर इज वेरिएबल, ओके, बट इफ आई सेलेक्ट दिस रिंग एट दिस प्लेस और दिस प्लेस और एट दिस प्लेस, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई आर, ओके, दैट्स वाई इट्स डेरिवेटिव जीरो। You cannot say R is constant. R is a variable,
बट दिस वेरिएबल इज फिक्स्ड एज वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. फॉर द सेम प्रॉब्लम एक्स एंड थीटा कैन वेरी, दैट्स व्हाई इट्स डेरिवेटिव जीरो. माइनस टू आर आर और कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन थीटा डी थीटा एंड दैट माइनस विल बी प्लस हेयर. कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. अब यहां पर हमने साइन थी इस कोस थीटा को डेरिवेटिव किया क्योंकि थीटा इज ए वेरिएबल एंड इट इज नॉट ओनली वेरिएबल इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ऑल्सो. या यू कैन से एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा और थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इज द सेम थिंग. नाउ टू गोट कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू एक इसमें देखिए छोटा सा हमने गड़बड़ कर दिया, दैट इज आर, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स आर इन पोटेंशियल, फोर्स में आर स्क्वायर होता है, सो इट्स एक्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज करेक्ट इट. ये मेरे साथ अक्सर होता है पोटेंशियल के केस में, नीचे कई बार एक्स और कई बार तो मेरे साथ ऐसा मेरा न्यूमेरिकल गलत हुआ है, आप प्लीज ऐसी गलती ना करना. सो एक्स इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, आर आर साइन थीटा डी थीटा बाय डी एक्स. ये डी एक्स हमारा उधर चला गया. नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस एक्सप्रेशन वी गोट डी वी इज इक्वल टू माइनस जी टू पाई रो आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा इज डिवाइडेड बाई आर आर साइन थीटा डी थीटा और डी एक्स हमारा ऊपर चला गया. प्यारे बच्चों एक आर से एक आर कट गया, साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हुआ और हमारे पास जो डी वी आ गया वो आ गया माइनस टू पाई जी रो आर डी एक्स बाई आर. एंड लेट मी वेरीफाई दिस, टू पाई जी आर डी एक्स बाई आर यहाँ तक ठीक है. अब हमें जो पोटेंशियल है इस पूरे स्फेरिकल सेल के वो निकालने के लिए अपने को अब करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन. एक बार मैं फ़ोन की बैटरी चेक कर लेता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी के बार बीच में लो हो जाती है. बैटरी लो हो चुकी है, मुझे थोड़ा सा इसको जल्दी खींचना पड़ेगा. तो आपके पास ठीक है, नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका v आ गया, राइट हैंड साइड में माइनस का 2 पाई जी रो आर बाई आर और यहाँ आ गया हमारा डी एक्स. अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा वो देखिएगा. तो पहले बच्चों रिंग आपकी कहाँ से शुरू होगी, तो रिंग आपका जो स्फेरिकल सेल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. तो P से जो ये डिस्टेंस है यहाँ से आपकी रिंग शुरू होगी, यहाँ पर ख़त्म होगी. तो इंटीग्रेशन आपका यहाँ से लेकर के यहाँ पर ख़त्म होगा. ये डिस्टेंस है कैपिटल R, तो ये हो गया हमारा छोटा R माइनस बड़ा R और ये डिस्टेंस हो गया हमारा छोटा r प्लस बड़ा r. सो जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी r माइनस r से r प्लस r. v इज इक्वल टू माइनस टू पाई जी रो r अपॉन r इट्स x एंड r माइनस r r प्लस r. ये वैल्यू जिसमें पुट करेंगे हम टू पाई जी रो r बाई r. सो r प्लस आर माइनस लोअर लिमिट आर प्लस आर माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस डी माइनस आर से आर कट गया दिस टू आर टू पाई जी रो आर टू आर बाई छोटा आर. और प्यारे बच्चों ये अब इसको करेंगे तो माइनस का फोर पाई आर स्क्वेयर टू टू फोर आर स्क्वेयर जी और रो को मैं यहाँ आगे ले लेता हूँ बाई आर. प्यारे बच्चों दिस इज द मास ऑफ द होल स्फेरिकल सेल, इट्स एरिया इंटू
दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस सेल 4πr² एंड मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड विद दिस वन गिव यू द मास ऑफ दिस सेल दैट इज माइनस gm/r। ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है, कब, जब पॉइंट हमारा बाहर था तब, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ से आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी कर सकते हैं बाय यूजिंग I = -dv/dr, वो जो फॉर्मूला पहले आज को वही आ जाएगा। अगर आप बात करें सरफेस की, ठीक है, अगर आप सरफेस पे यहाँ पे पॉइंट की बात करें कि अगर पॉइंट सरफेस पे लेंगे तो जो हमारा छोटा आर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल आर। सो इफ द पॉइंट इज ऑन द सरफेस देन v = -gm/R। इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।